क्लास 7 साइंस आई एम आरएस प्रसाद सर टुडे योर चैप्टर 10 दैट इज द रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्वेश्चन आंसर लेट अस सी व्हाट विल बी योर चैप्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज योर नॉस्ट्रिल दिस वन इज योर नॉस्ट्रिल ये जो है नॉस्ट्रिल है और ये क्या चीज है इट इज योर टकले की पेचिया है ये और यहां पर जो दिख रही है ये ब्रॉन्चॉइस है ये ब्रॉन्चॉइस है और इसके बाद यहां जो दिख रहा है दैट इज द लंग्स इट इज योर लंग्स एंड इट इज योर एलोवेली तो दिस वन और नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज द डायफ्राम सो इट इज गिवन हियर डायफ्राम नाउ कम टू द नेक्स्ट हाउ कैन मेजर द चेस्ट सो इट इज द मेजरिंग द चेस्ट बाय दिस वन एंड दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सबसे पहले है आपका इनहेलिंग तो अंदर की तरफ एयर पास होती है अंदर लेते हैं इसको तो ये लंग्स में चले जाते हैं तो ये लंग्स आपको दिखाया हुआ दोनों जगह और ये डायफ्राम है डायफ्राम इस समय नीचे की ओर आ जाता है इस पर प्रेशर नीचे की ओर पड़ता है तो जो एयर है वो इनसाइड आ जाती है इसको इनहेलिंग बोलते हैं तो डायफ्राम तुरंत नीचे की तरफ वर्क करता है इसके बाद डायफ्राम जब ऊपर जाता है तो ये एक्सहेलिंग प्रोसेस होता है तो ये डायफ्राम पे फोर्स लगता है ऊपर की ओर ये अपर पार्ट पे फोर्स लगता है इसको और ये डायफ्राम पूरा का पूरा ये बंद हो जाता है बंद होते क्या करता है यहां से एक्सहेलिंग यानी सांस बाहर की ओर निकल जाती है चलिए आगे देते हैं गिल्स हैं गिल्स ऑफ फेस फॉर द रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं गिल्स क्या करती है ऑक्सीजन जो है वाटर की ब्रेकअप करके ले लेती है नाउ इट इज द सेल्स और ये है लिफ्ट है ये इसमें एस्टोमेटा दिखाया है ये जो दिखाई दे रहा है ये एस्टोमेटा है पूरा का पूरा एस्टोमेटा है और एस्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ दोनों नाउ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज टेकन इन वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिलीज्ड सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन सेल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी दिस एनर्जी एनेबल द बॉडी टू डू वर्क गिल्स ट्रेचिया लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटिव रिस्पेक्टिवली फिश कॉकरोच एंड क्लाउ नोस्ट्रियल ट्रेचिया ब्रंचेस एंड लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन ऑक्सीजन रीचेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड स्टोमेटा एंड लेटिसल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द लीफ एंड लेटिसल्स ऑन द स्टेम नाउ फिल अप द ब्लैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश फिश का जो ऑर्गन होता है वो गिल होता है सो यू कैन राइट योर गिल्स नाउ सेकेंड इन अ कॉकरोच अ नेटवर्क ऑफ इज फाउंड इसमें रेस्पिरेटरी पाइप होते हैं ट्रेचिया बोलते हैं इसको यू कैन राइट ट्रेचिया ट्रेचिया और रेस्पिरेटरी पाइप होते हैं इज फाउंड नाउ थर्ड वन है आर फाउंड ऑन लीफ फॉर एक्सचेंज द गैसेस इट इज स्टोमेटा सो यू कैन राइट स्टोमेटा नाउ चूज द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज दैट इज द लंग्स यू कैन सी हियर Now, second one, the process of inhaling and exhaling is called. It is breathing. Now, third one, the animal respires through most skin. It is leech champion. Now, fourth, thick stem of tree respire through. It is utensils. लेंटिसल्स है ये पीछे बताया था मैंने प्लांट्स के पास दो ही होते हैं स्टेम में जो लेंटिसल्स होता है और प्लांट्स में स्टोमेटा होता है फिफ्थ है इनसाइड द लंग एंड द एंड्स ऑफ द ब्रॉन्चियस ओपन इनटू कहां पे ओपन करता है ये तो एल्वियोली में करता है एल्वियोली है एल्वियोली में ये ओपन कर देता है
Now here, write the name of the respiratory organ of following animals. So mosquito है, lizard है, earthworm है, cow है, fish है. So first of all, here is the animal and here is the respiratory organ. So first of all, mosquito. मॉस्किटो का क्या होता है? रेस्पिरेटरी पाइप होता है, ट्रेकिया बोलते हैं इसको. फिर लिजार्ड है, लिजार्ड का लंग्स होता है. और अर्थवर्म है, अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन होती है. काउ में लंग्स होता है और फिश में गिल्स होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. नाउ कम टू द ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो ये ह्यूमन का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है. तो सबसे पहले इसमें शुरू से करते हैं. ये है लैरिंक्स. लैरिंक्स यहाँ पे है, पाया जाता है, ये दिखाई देगा आपको. फिर नीचे आकर के ये वाला पोर्शन जो है ट्रेकिया है, ये इसमें ट्रेकिया. ना इसके बाद जाते हैं लेफ्ट और राइट में, दिखाई दे रहे हैं आपको. तो लेफ्ट ब्रांच चाहिए, ये लेफ्ट ब्रांचेस है. इसके बाद नीचे की तरफ और आते हैं तो लेफ्ट लंग्स पड़ता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है लंग्स आपका. इंटैक्ट लेफ्ट लंग इंटैक्ट हो गया. इसके बाद आता है प्लूरल केविटी, ये प्लूरल केविटी है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको. और इसके बाद डायफ्राम नीचे की तरफ ये दिखाई दे रहा है लंबा सा, ये प्रोसेस ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये लंग्स है आपको दिखाई दे रहा है. ये डायफ्राम होता है नीचे से, जो नीचे ये हार्ट के लिए स्पेस होता है पाइप बाय द हार्ट. नाउ कम टू द हेयर लेफ्ट पार्ट. तो एल्वियोल्स होता है ये. इसके बाद एल्वियोलर डक्ट होता है जिसके अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है. इसके बाद बॉडी वॉल से जो बाहर की ओर होती है. और ये ब्रांचोइड, ब्रांचोइड में ये ब्रांचेस की तरह जो निकला हुआ होता है इसके अंदर, इसको ब्रांचोइड बोलते हैं. ये क्या है? पेरिटल प्लूरा है ये. पेरिटल प्लूरा ये वाला पोर्शन है प्लेटलेट प्लूरा. और उसके बाद ये है विसरल प्लूरा. ये क्या है? ये वाला पार्ट आपका एक साइड दिखाई दे रहा है ये आपका. नाउ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड वगैरह रहता है इसके अंदर. और इस तरह से आप लोग इसको डायग्राम को लेबल कर सकते हैं. Now come to the next one. How does respiration take place in unicellular aquatic animals? So unicellular aquatic animals respire through their body surface. Body surface से ही अपना respiratory system का work लेता है. The surface of the leaf bear innumerable small pores. What is the name and the function of these pores? So small pores present on the surface of leaves are called stomata. The main function of the stomata is to exchange the gases and the help of the liberation of excess of water from the plant body. This process is called transpiration. Now come to the next question. What are lenticels? क्या होता है lenticels? So these tissues are thick stem or big tree need oxygen for respiration. For which the bark has many opening called lenticels. From where does our body obtain energy? So our body obtain energy as a result of various chemical reactions performed by oxygen obtained during respiration. What is breathing? The process of inhaling and exhaling together is called breathing. What is the respiratory organ of birds? So respiratory organ of bird is lung. From where do live organisms obtain energy to do work? By respiration. Respiration से ही energy मिलती है. Now, how does oxygen reaches to various organs of the body? It is by the blood. Blood is the transportation of oxygen. Oxygen को blood ले जाने का काम करता है. What are the such plants which obtain their food themselves? Well, it is autotrophs. अपने आप food बना लेते हैं ये. Now, fill in the blanks. First one is the ends of the branchoid open into. कहाँ open होती है? Alveoli में होती है. So you can write here. Second है cellular respiration occurs in all from two. From two कहाँ से होता है भाई? ये bacteria है ये. और यहां पे है ह्यूमन बींग्स.
Now in the respiration, oxygen gas, ये oxygen है यहाँ पे, oxygen gas is absorbed and carbon dioxide is released. यहाँ पे carbon dioxide है. Now third fourth one, earthworm is always live in soil, so it is moist soil है ये. बहुत सेल में रहते हैं, नमी वाली जगह पर रहते हैं. इसके बाद है लंग्स आर प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होता है ये है आपका प्लूरल कैविटी. ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है आपका. नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसके बाद सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि आप लोगों को चैनल लग कैसा रहा और मुझे और क्या क्या करके देना है आप लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ.